बड़ी हलचल। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल कांग्रेस के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया गया है। इससे पहले प्रदेश भर की राजनीति में खलबली मच गई है। वहीं चर्चाओं का दौर तेज हो गया है कि कांग्रेस में बड़े स्तर पर बदलाव हो रहे हैं। क्या हैं चर्चाएं और किन किन नेताओं को दिल्ली बुलाया है, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा जी। दिल्ली क्यों बुलाए कांग्रेस नेता जी, एक बार फिर से दिल्ली बुला लिए गए हैं कांग्रेस? एक बार फिर क्यों कह रहे हैं हम? थोड़े दिन पहले भी तो खुद ही चले हुए थे, अब बुलाए गए हैं ऐसा कहना चाहिए हमें। राजेश, तुरंत बाद बजट पेश होने के हिमाचल की सियासत में टर्मोइल है ना, टर्मोइल तो हम ये कहेंगे कि एक तेजी आ गई। बिल्कुल राजेश, क्या क्यों दिल्ली क्यों बुलाए गए नेता, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में इस वक्त तीन चीजें बड़ी अहम हो गई अग्निहोत्री जी। पहला, शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर पार्टी ने फोकस करना है। दूसरा चीज, जो मिशन कमबैक को लेकर कांग्रेस किस तरह की रणनीति बनाती है उस पर चर्चा होनी है। लेकिन जो तीसरी और अहम चीज है वो चीज है संगठनात्मक चुनावों को लेकर। संगठन में जिस तरह के फेरबदल पार्टी पदाधिकारियों को होगा वो कांग्रेस ने करना है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी कमबैक का जिस तरह का अवसर पार्टी के पास है वो उस अवसर को भुलाना चाहती है पार्टी। तीन अहम बिंदुओं पे आने वाले दिनों में बड़ा फोकस करना। राजेश, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जल्दी से, राजेश समय बहुत कम है, कौन कौन नेता बुलाए गए हैं जी, है ना, जिनके अभी नाम सामने आए हैं उनके अतिरिक्त भी हो सकते हैं, और किन बिंदुओं पे चर्चा होने की उम्मीद है जल्दी से? बिल्कुल, देखिए इसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री तो है ही है, इसके अलावा देखिए तेज तरार महिला नेत्री आशा कुमारी को वहां बुलाया गया, रामलाल ठाकुर नैना देवी के विधायक उनको वहां बुलाया गया, तो तमाम जितने भी पार्टी कांग्रेस के पास अभी स्थायी प्रदेशाध्यक्ष नहीं है, अभी कार्यकारी तो कांग्रेस ने अब अध्यक्ष का चुनाव करना है, और पार्टी ये चाहती है अगर हम अपने सूत्रों की माने तो इसमें ऐसा तेज नेता चाहिए जो पूरे प्रदेश में संगठन को, संगठन जिसको मानता हो, संगठन जिसकी सुनता हो, संगठन जिसके साथ चलता हो और जिसकी जनता में भी प्रभाव हो, और जिसका जनता में भी प्रभाव हो, तो ऐसा एक चेहरा कांग्रेस को चाहिए। इसी पे मंथन करने के लिए तमाम इन लीडर्स को वहां दिल्ली एक तरह से बुला लिया गया जी। राजेश, इसमें इंडिपेंडेंट लोगों की राय जानी जाए, जनता की राय जानी जाए, जो इंडिपेंडेंट है जिसका झुकाव ना इधर है ना उधर, उनका भी मानना है कि कांग्रेस में ऐसे तीन से चार चेहरे तो है ना, और वो चेहरे हमेशा फोकस में भी पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं, उनमें से यही ज्यादातर को बुलाया गया है दिल्ली। बिल्कुल, तो देखते हैं उनमें से क्या होगा। अच्छा राजेश, मैं जो पिछले सेगमेंट में भी बोल रहा था जी, जी। मुकेश अग्निहोत्री ने जो आज विधानसभा में कहा, जिसका जिक्र आपने किया अभी दर्शकों से जी, कि मेरा अंतिम बजट चर्चा है ये, मतलब उन्होंने पता नहीं किस लहजे में कहा ये, है ना, बड़ी देर से बोल रहे थे, लेकिन लोग इसको दिल्ली के बुलावे से भी जोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए मुकेश अग्निहोत्री की अगर हम बतौर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सदन के भीतर देखते हैं तो उन्होंने एक तरह से कांग्रेस के लिए तो एक तरह से वो तुरूप का इक्का साबित हुए वहां पे सदन के भीतर, जिस तरह से उन्होंने सरकार को घेरा है, खामियां निकाली है, एक साल की बात है, बजट सत्र की बात नहीं है, ये पिछले पूरे चार साल की है, सभी सत्रों की बजट सत्रों बाहर भी उन्होंने ठीक खबर दी है, बाहर भी देखते हैं तो उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है आम जनमानस पे, उन्होंने एक तरह से सरकार को कटघरे में हर उसमें सवाल पे, उन्होंने हर जवाब पे सरकार के सवाल खड़े किए जी। राजेश, आपको क्या लग रहा है कांग्रेस का मामला आसानी से सुलझ जाएगा? आप थोड़े से शब्दों में जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का अगर हम बांटते हैं तो कुछ चेहरे ऐसे हैं अग्निहोत्री जी जिन पे कांग्रेस संभवतः एक तरह से सहमत होने के जहां सभी के आसार हैं, लेकिन उनमें जैसे मुकेश अग्निहोत्री है, अगर बतौर अध्यक्ष उनका नाम आता है तो कांग्रेस सहमत हो जाएगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीएलपी लीडर पे बात आएगी तो सीएलपी लीडर की तो फिर उनको छोड़ना पड़ेगा। वहां दो तीन बड़े चेहरे हैं, वहां और दो तीन बड़े चेहरे, सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां, आशा कुमारी हैं, रामलाल ठाकुर वहां बड़ा चेहरा, जगत सिंह नेगी बड़ा चेहरा है, तो ये तमाम चेहरे। इसके अलावा सुक्खू की जहां हम बात करते हैं बतौर संगठन अध्यक्ष पे, तो वहां उनकी भी पकड़ संगठन पे दिखा चुके रामलाल ठाकुर भी प्रभावशाली है। इसके अलावा आशा कुमारी की बात हमने कर ली, जगत सिंह नेगी को के पास भी बहुत सारा अनुभव है। कांग्रेस के पास ये तमाम वही चेहरे दिल्ली बुलाए गए हैं जिन चेहरों के पास अनुभव भी है, जिन चेहरों की कुब्बत भी है, जिन चेहरों की पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मानते भी हैं। जी बिल्कुल सही बात है राजेश, तो हम दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि नजर रखिए, बड़ा घटनाक्रम है। बिल्कुल, दिल्ली जो कांग्रेस के नेता बुलाए गए हैं, खबरें छन छन के आएंगी शुरू में, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो बड़ा धमाका सुनाई देने वाला है, लेकिन होगा कुछ बड़ा। बिल्कुल, और जो हमें खबर मिलेगी ऑथेंटिकेटेड ऐसे सोर्स से जो क्रेडिबल होगा, तो हम आप तक वो खबर भी पहुंचाएंगे आपके लिए विस्तार से, और उसके मायने भी बताएंगे।